शांति। आज मैं आपको अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि कैसे मैंने स्पिरिचुअल लाइफ को अडॉप्ट किया फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन प्रिस्ड फैमिली माई ग्रांड फादर वॉज अप्रिस्ड काइंड ऑफ अरेकल उन्होंने पहले ही बता दिया था मेरे फादर साहब को कि आपकी डॉटर्स शादी नहीं करेंगी सन्यासी जीवन एसेटिक लाइफ जिएंगी। तो ये पहले से ही था अब ब्रिंगिंग में ही हमारे बॉर्न एंड बॉटअप थे तो उस हिसाब से ब्रिंगिंग में ही था हमारी अब ब्रिंगिंग में था जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई फोर्थ स्टैंडर्ड से मैंने भक्ति करना शुरू किया उस स्टैंडर्ड से मुझे जैसे दादाजी सुनाया करते थे गीता का पाठ तो सदा वो कहा करते थे कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो कहीं ना कहीं वो शब्द बजते रहते थे तो जैसे ही मैं अपने टेंथ लेवल पर पहुंची तो मैंने दूसरे धर्मों को स्टडी करना शुरू कर दिया बिकॉज आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि हिंदू धर्म में मम्मी जी कहते थे कि शिव जी भगवान हैं, दादी जी कहते थे नारायण भगवान हैं, और दादा जी कहते थे कि भगवान अनंत है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन था क्वेरी थी कि है कैसा कोई नारायण कह रहा है तो कोई उसको श्री कृष्ण कह रहा है फिर मैंने सारे धर्मों की जितनी भी स्टडी करना शुरू की कि फिलोसफी कहती क्या है बट समवेयर आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि मुझे था कि मैं जिसको ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं गीता में सुन रही थी कि उसके साथ हर रिलेशन्स निभाए जा सकते हैं पर मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रही थी कि वो रिलेशन कैसे निभाए जाएँ कि वो मेरा फादर भी बन जाए वो मेरी मदर भी बन जाए तो काइंड ऑफ डायलोमा था और मैं उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी मैं एक जिसको कह सकते हैं रिलीजियस डोगमा में थी और धीरे धीरे ऐसे ही ऑल ऑफ द सडन आई कैन से दैट आउट ऑफ द ब्लू मेरी एक नेबर आंटी थे वो आए तो उन्होंने मुझे कहा कि uh, मैं मुझे भगवान मिल गए तो आई वॉज सरप्राइज कि कैसे आपको भगवान मिल गए उन्होंने कहा कि मैं पिछले दो दिन पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गई और वहाँ मैं अब सेवन डेज का कोर्स कर रही हूँ एंड आई एम सर्टेन कि भगवान धरा पर आ चुके हैं सिंस 1936 वो मेरे लिए शौक था जैसे ही वो मेरे घर से बाहर निकले और मैं तैयार हुई और फटाफट मेरे घर से पंद्रह मिनट की दूरी पर आश्रम था और मैं दौड़ी दौड़ी वहाँ चली गई मुझे ये था क्योंकि मैंने भक्ति की थी मैं भगवान को ढूंढ रही थी तो मुझे एक घमंड भी था कि मेरे दादाजी इतने बड़े पृष्ठ हैं मेरे बुआ के हस्बैंड बॉय जी वो पृष्ठ हैं तो समवीर की उनको नहीं मिला इनको कैसे मिल गया तो इसलिए मैं वहाँ चली गई और जैसे ही मैं गई मैंने डोरवेल रिंग की दरवाज़ा खुला सामने क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर चित्र है और वो इतना आकर्षक है कि मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे अपने हैं कोई मुझे लगा शायद मे भी कोई हॉलीवुड मूवी के एक्टर हैं वो थे प्यारे ब्रह्मा बाबा पर मैं नहीं इंकल्केट कर पा रही थी कि हु वॉज ही मेरे लिए वो बहुत अपने लग रहे थे मुझे फिर सामने से सिस्टर आए तो वो भी मुझे ऐसे लग रहे थे कि कुछ जाने पहचाने हैं पर वो चित्र जो था ब्रह्मा बाबा का वो मुझे बहुत खींच रहा था मैं वहां बैठी तो मैंने उन दीदी से कहा कि जो आंटी जी को आप पढ़ा रहे हैं कि भगवान आ गए हैं मुझे भी जाना है तो उन्होंने कहा कि आप कल से आइए मैंने कहा नहीं मुझे आज से ही जाना है तो दीदी ने मेरा सेवन डेज का कोर्स शुरू किया फॉर द फर्स्ट थिंग उन्होंने मुझे पढ़ाया कि आप आत्मा हो अब मैंने वो सुन तो लिया बट तो मैं कन्विंस नहीं हो पा रही थी बायोलॉजिकली कि हाउ आई कैन बी अ सोल वो एनर्जी मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं अपने आप को बॉडी देख रही थी तो मैं उसको समझ नहीं पा रही थी बट हाँ ये मुझे लग रहा था कि ये ट्रुथ है सेवन डेज का कोर्स हुआ बट आई वॉज टिपिकली इन कनंड्रम मुझे ऐसा लगा कि है वोक आ गया मेरी लाइफ में क्योंकि जिनके साथ मैं जी रही थी जो देवी देवता थे मेरे लिए जो भगवान थे मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे और मैं एक फेक लाइफ जी रही थी अब मेरे लिए मुझे ये भी लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं सत्य है क्योंकि जियोग्राफिकली मुझे लग रहा था कि यस इट्स ट्रूथ साइंटिफिकली मुझे लग रहा था कि यस लॉ यही इंडिकेट करता है कि गॉड मस्ट बी अ सुपर नेचुरल पार कि उसे मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता बट मैं ये नहीं अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रही थी कि मैं जो लाइफ जी रही थी वो तो फिर फेक थी और मुझे ऐसे मैंने प्रश्न किए तो दीदी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यज्ञ में जो लिटरेचर लिखा गया है वो भ्राता जगदीश जी द्वारा लिखा गया है उन्होंने मुझे एक बुक दी The Whole Eternal World Drama, कि आपको पढ़ चाहिए। पे, दीदी ने वो बुक मुझे दी और मैंने वो बुक रात एक रात में फिनिश कर दी क्योंकि मुझे जानना था कि वाकई में भगवान आ चुका है और ये सेवन डेज का कोर्स इंडिकेट यही करता है पर मैं इसको कैसे मानूं तो जो वो बुक थी वो बुक ही शुरू होती है ऑपरेन एंड हेल्डेन की थ्योरी से जहां साइंस फिनिश होती है कि ऑपरिन एंड हेल्डेन ये मानता है कि धरा ऐसे ऑरिजिनेट हुई होगी वो बुक शुरू होती है ऑपरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी से तो पहले ही मुझे टच हो गया कि शायद ये वे वर्ड मतलब ये कहीं वे ऑफ बर्ड है दुनिया के नॉलेज से कहीं और ही ऊपर है तो उसमें भ्राता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैं अच्छा क्या कहूँ मैं ये कहूँगी कि द बेस्टेस्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड मैं ये कहना चाहूंगी कि आज तक दुनिया में जितने भी राइटर रहे होंगे शायद ही स्पिरिचुअलिज्म को कोई ऐसे एक्सप्लेन कर पाया होगा आत्मा का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था कि सोल कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में रह रही है और आपकी बॉडी को चैनलाइज कर रही है क्लैरिटी मुझे वहां से हुई और मुझे हंड्रेड परसेंट फेथ हो गया कि मैं सोल हूं और बाबा की प्यार से हम भगवान को बाबा कहते हैं तो उसमें भ्राता जी ने बड़े साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया था कि वाई शिवा इज कॉल्ड एज गॉड फादर सुपर नेचुरल जो पार है उसको हम फादर क्यों कह रहे हैं जो मैं भक्ति मार्ग में सुनती आ रही थी कि उसके साथ सारे रिलेशन जोड़े जा सकते हैं पहली बार ये हुआ उस रात मुझे समझ में आया कि वाकई ही उसके साथ सभी रिश्ते जोड़े जा सकते हैं जिसको मैं ढूंढ रही थी शायद वो सचमुच धरा पर 1936 से आ चुका था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस रात को वो बुक जो थी वो मेरी मदर बनी उसने मुझे एक रियलाइज कराया साइंटिफिकली कि यस यू आर अ सोल और ये जो है एक ड्रामा है ये 5000 ईयर का ड्रामा ये उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इसका सेकंड पार्ट मैंने उसके बाद स्टडी किया लेकिन मुझे 100 परसेंट श्योर हो चुका था कि भगवान धरा पर आ चुका है धरा का जियोग्राफिकल रिवोल्यूशन कैसे होता है कैसे सन ऊपर नीचे जाता है चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है चाहे कैप्रिकॉन पे है पर वो क्लैरिटी मुझे हो गई थी साइंटिफिकली कि यस गॉड हैज टू डू नथिंग विद द जियोग्राफी उसको जियोग्राफी से कोई लेन देन नहीं है चाहे सन ऊपर है चाहे नीचे है लेकिन हम लोग भी जो कुछ कर रहे हैं वो गॉड से रिलेटेड नहीं है दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्मा लेकिन हम उसके साथ जोड़ करके अपने कर्मों को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं कैसे उनको पॉजिटिव कर सकते हैं वो मुझे समझ में आया धीरे धीरे मैंने अगले दिन से मुरली पढ़ना शुरू किया तो मेरा सबसे पहला ये था कि मुझे बाबा से मिलना है क्योंकि बाबा को जब मैंने पहली बारी देखा था तो मेरी बुद्धि में था कि ये मुझे प्रैक्टिकली मिले पर ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया था 1969 में पर मेरी एक अंदर में बिल्कुल वो थी कि मुझे मिलना ही मिलना है तो पहला चेंज ये आया मेरी लाइफ में क्योंकि मैं नाइट आउल थी मैं रात को पढ़ती थी और सुबह जागती थी कहीं जा के दस बजे ग्यारह बजे इस तरह का रूटीन होता था पर जैसे ही मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई आफ्टर दैट सेवन डेज सबसे पहले मैंने थ्री ओ उठना शुरू किया बाबा ने मुझे उठाना शुरू किया क्योंकि दीदी ने मुझे कहा कि आपको बाबा को फील करना है तो से हिम कि मुझे मॉर्निंग थ्री ओ उठाना और मैंने वही किया चित्र के आगे जाके कहा बाबा मुझे तीन बजे उठाना और मैं तीन बजे डेली उठना शुरू हुई तो ऐसे मेरे बाबा से बात चल रही थी कि मुझे आपसे प्रैक्टिकली मिलना है ब्रह्मा बाबा से तो ऐसे एक दिन मैं बैठी बैठी पढ़ रही थी तो मैंने सामने से देखा ब्रह्मा बाबा आए और बाबा दादियों के साथ खड़े हैं और जान की दादी जी मेरे सामने खड़ी हैं बाबा ने दादी के पहले मेरे से बाबा ने सेकेंड की और अपना हाथ मेरे हाथ में रखकर फिर मेरे हाथ को उठाकर जान की दादी जी के हाथ में दिया वो दैट एक्सपीरियंस वॉज मेसमराइजिंग मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा सचमुच मेरे सामने खड़े थे रेस्ट उसके बाद मेरी दिल थी कि मैं शिव बाबा से भी मिलूं मैं उनसे भी उसी तरह से मिलना चाहती थी तो डेली मैं आश्रम जाती थी डेली मुरली का प्रैक्टिस करती थी सुनने की डेली मेडिटेशन करती थी उस टाइम की जो मेरी मेडिटेशन थी वो इतनी सुपरकूल थी कि जैसे ही मैं बैठती थी मैं वतन में चली जाती थी डिटैच हो जाती थी पर मुझे समझ नहीं आता था कि डिटैचमेंट है क्या हाँ मैं हल्का फील करती थी मेरे संस्कारों में हैबिट्स में चेंज आ रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी क्यों आ रहा था मेरी फैमिली भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं एकदम इतनी कैसे बदलती जा रही हूँ धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बाबा कैसे एनर्जी को चेनलाइज कर रहे थे तो एक दिन मैंने मुरली सुनी तो मुरली में बाबा ने कहा कि जब बच्चे बाबा को बहुत प्यार से बुलाते हैं तो बाबा ने कहा बाबा सकार बाबा के अलावा भी श्री बाबा स्वयं परमधाम कर बच्चों से मिलता है तो मेरा बाबा से ये थॉट में बात चल रही थी कि आप मिलते हैं आप ये वादा करते हैं तो मुझसे भी मिलिए जैसे ही मैं वहां से बाहर निकली तो वहां से लेके मेरे घर तक का जो पंद्रह मिनट का डिस्टेंस था उस डिस्टेंस में मैं परम ज्योति को देख पा रही थी फील कर पा रही थी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा की किरणें जैसे सूरज है वो मेरे बिल्कुल पास आया है और वो किरणें मुझ पर पड़ रही हैं मुझे नहीं समझ में आया कौन मेरे आगे आया कौन गया मैं उसी भाव में उसी इमोशन में सेट थी और पहुँचती पहुँचती अपने घर पहुँच गई उसके बाद फिर मुझे ये पालना मिली लगभग छः महीने के लिए और फिर मेरा मधुबन जाना हुआ जब मधुबन जाना हुआ तो फॉर द फर्स्ट थिंग जैसे ही मैं बाबा से मिली मैं टोटली अशरीरी हो गई कंप्लीट आत्मिक अवस्था में आई और मैंने अपने आप को बाबा सामने बैठे थे दृष्टि दे रहे थे और मैं शरीर से न्यारी थी मैं इतनी न्यारी थी कि मैं अपने ऑर्गन्स को भी देख पा रही थी एक एक ऑर्गन मुझे नजर आ रहा था और इस चीज को मैंने फिर प्रैक्टिकली यूज किया बाबा ने कहा बच्चे उस मुरली में बाबा ने शब्द यूज किए थे प्योरिटी ही बाबा ने कहा था संसार को चैनलाइज कर पाएगी बीमारियों को समाप्त कर पाएगी दुखों को समाप्त कर पाएगी एक छोटा सा किस्सा एट द एंड में सुनाना चाहूंगी जब मैं अपनी मास्टर्स में थी तो एक पेशेंट था 14 इयर्स ओल्ड का बॉय था और उसका इतना मैं वो एक्सीडेंट हुआ था हेड इंजरी इतनी वो थी कि वो बेड पर था रिक्वेस्ट में थी और उसके लिए ये था कि वो अपना चल सकता था मसल वास्टिंग 100 परसेंट होने को आई थी तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अभी कुछ ही दिनों का मेहमान है तो मेरी प्राइवेट वार्ड में ड्यूटी थी मैं डेली जाती थी और मैं रोज़ मुरली पढ़ के सुनाती थी मुझे भी नहीं समझ में आती थी कि प्योरिटी बाबा कैसे कहते हैं तो मैं रोज़ मुरली सुना सुनाती थी उनकी मदर सुनती थी और वो बेटा वेजिटेटिव स्टेट में था वो भी सुनता था मैंने देखा पंद्रह दिन के बाद उस बच्चे में चेंज आया उसकी मसल जो थी वो हिलना शुरू हुई और जो फीड हम दे रहे थे उस फीड का पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हुआ क्योंकि उसको फीड लग नहीं रही थी उसकी मसल मांस जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया तो डॉक्टर वॉज सरप्राइज कि हो क्या रहा है तो उन्होंने वैसे ही बात की कि ऐसा नया हमने क्या इम्प्लीमेंट किया कि जो इसका शरीर में मास बनना शुरू हो गया तो उन्होंने वैसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो जो स्टूडेंट आती है वो चार पेज का कुछ पढ़ती है और शायद ये उसका प्रभाव है तो हमने बैठ के बात की उन्होंने मुझे कहा बेटा आप क्या पढ़ते हो तो मैंने कहा मैं मुरली पढ़ती हूँ उन्होंने मेरी मुरली सुनी देखी उन्होंने कहा शायद इसका कुछ इम्पैक्ट है इस आत्मा इस बच्चे पर कोई इम्पैक्ट है तब मैंने डीपली एनालाइज किया कि पार ऑफ प्योरिटी क्या है जो महावाक्य बाबा विचारते हैं वो महावाक्य में इतनी पावर है वो प्योरिटी उस आत्मा को टच कर रही थी फ्रीक्वेंसी का लेवल इतना हाई था कि उस फ्रीक्वेंसी में उस चीज़ को अचीव करना इजी था तो मैंने देखा उस पेशेंट ने अचीव की अपनी हेल्थ और धीरे 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 वो परिवार ज्ञान में आया आज वो बेटा यूएस में है और पूरा चलता फिरता अपना काम स्वयं करता है तो इन्हीं शब्दों के साथ इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं कि कैसे हमने बाबा को जाना बाबा जो हमें पढ़ा रहा है प्रैक्टिकली कैसे हमने यूज़ किया लेकिन अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस अपने अनुभव को समाप्त करना चाहूँगी ओम शांति